तो आज हम देखेंगे कि हम एक बनाएंगे बैनर बनाएंगे शूज़ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं रेक्टेंगल, ये हमारा आ गया एक रेक्टेंगल, और इसको हम करेंगे कलर ग्रेडियंट, ठीक है। इसको ऑफ कर देते हैं और इसके फिल जो है उसको कलर हम देंगे ग्रेडियंट। ये हमारा ग्रेडियंट कलर आ गया और इसको हम अब कलर चेंज करेंगे। इसको हम इस तरह का कुछ ग्रेडियंट कलर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपना लोगो। लोगो अभी हमारे पास लोगो नहीं है तो अभी हम फ़िलहाल टेक्स्ट ही ऐड करेंगे, ठीक है। इसका कलर हम कर देते हैं वाइट ताकि नज़र आए, ठीक है। ठीक हो गया। और इसके फॉन्ट हम चेंज करते हैं, फॉन्ट हम रखेंगे ओपन, ठीक है। ये हमारा आ गया लोगो। अब लोगो थोड़ा सा लगे तो सही कि लोगो है, इसको हम थोड़ा कलर इस तरह का दे देते हैं लोगो टाइप, ठीक है। ये हमारा लोगो आ गया यहाँ पे। उसके बाद हम एक लेते हैं टेक्स्ट दोबारा से, जिस टेक्स्ट में हम ऐड करेंगे अपने शूज़ का कोई भी नाम। तो हम यहाँ लिखते हैं स्पेशल एस पी, सारा कैपिटल लिखते हैं एस पी ई सी आई एल स्पेशल स्पोर्ट एस पी ओ आर ठीक है स्पोर्ट्स, ठीक है। लिख के इसका टेक्स्ट हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ऐसे कुछ और इसको रेगुलर कर देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसी की एक कॉपी लेंगे दोबारा से और इसमें हम लिख देंगे शूज़ एस एच ओ ई एस, ठीक हो गया। शूज़ लिख दिया और इसका साइज हम बढ़ा देते हैं और इसको हम कर देते हैं सेमी बोल्ड, ठीक है। ऐसे करके इसको इस टेक्स्ट को हम ऊपर ले आते हैं और इसका कलर हम ये रख देते हैं, ठीक है से। और इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अब इस दोनों को हम थोड़ा सा सेंटर में करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं एक सर्कल जो हम लेंगे बिल्कुल सेंटर में, ये आ गया हमारा सर्कल। इस सर्कल को हम कलर देंगे ये वाला और इस सर्कल की एक हम लेंगे कॉपी, ठीक है। और इस सर्कल की कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करेंगे, एक और कॉपी लेके उसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। और इसका कलर हम रख देंगे वाइट, ठीक है। अब ये अब हमने किस लिए लिया है, क्योंकि इस इमेज को हम यहाँ पे ला के, ठीक है, इस इमेज को छोटा करेंगे, इस सर्कल को यहाँ पे ला के इस इमेज को थोड़ा और छोटा करते हैं, सर्कल को ऊपर ले आते हैं फ्रंट पे, ठीक है। ये आ गया हमारा और इसे हम थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ठीक है। सॉरी ये सर्कल छोटा हो गया, ये इमेज हम थोड़ी सी और छोटी कर देते हैं और इसको थोड़ी सी कम करते हैं ओपेसिटी ताकि हमें नज़र आए हमें क्लिपिंग मास्क करना है, ठीक है। तो ये अब आ गई हमारी इमेज। इन दोनों को हम इसको कर देते हैं फुल, इन दोनों को सेलेक्ट करके इसको राइट क्लिक करेंगे और क्लिपिंग मास्क, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह हो गया है, ठीक है। जब हम इधर लेके आएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये अब आ गया हमारा इस सर्कल पे, ठीक है। ये थोड़ा बुरा लग रहा है, इस पूरे को पकड़ थोड़ा छोटा करके अब यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा सर्कल में, इमेज सर्कल में आ गई, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ आइकन वगैरह और फिर उसके बाद हम यहाँ से एक लाइन देते हैं बिल्कुल सीधी, ठीक है। इसका कलर हम यही दे देते हैं, ठीक है। और इसको कर देते हैं लॉक और इन सारों को सेलेक्ट करके कर देते हैं फ्रंट, ठीक है। ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसको अब हम इफेक्ट में जाके यहाँ से हम इसको ट्विस्ट में, ठीक है, इसको अब हम थोड़ा सा ऐसे चेंज कर देते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ कर देते हैं थोड़ा बहुत, इसको और किसी और इफेक्ट में लेके जाते हैं यहाँ से यहाँ पे ट्विस्ट में, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, इतना 60%, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं आइकन, यहाँ से हम लेते हैं तीन बॉक्स, ठीक है। इनका कलर हम रख देते हैं यही, ठीक है, ये वाला। ये हम लोगों के इसमें बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे,
ये तीन आ गए, इनमें हम कोई भी आइकन लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास मज़ीद कोई टेक्स्ट है तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इस जगह पे हम ऐड कर सकते हैं, या तो फिर इसकी हम दो तीन कॉपीज लेके यहाँ पे लगा देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं। मतलब एक मिसाल के तौर पे यहाँ पे शूज़ हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे और, ठीक है। अब आइकन हम ऐड करते हैं इसमें, ये तीन आइकन हैं हमारे पास, ठीक है। अभी मैंने तो आइकन बस इसी तरह उठाए हैं, आप किसी के लिए बनाएं या किसी के लिए काम कर रहे हैं तो आपने आइकन सोच समझ के उठाने के, कौन सा आइकन कैसा होना चाहिए, कौन सा कैसा। अभी तो मैंने फ़िलहाल वैसे ही आइकन उठा लिए हैं, ये कोई ब्लैक है कोई क्या है, यहाँ पे आ जाएंगे आइकन आपके। ये तीन हमारे आइकन आ गए, इंस्टाग्राम का आइकन हम फिल ऑफ कर देते हैं उसकी, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। इनको भी हम ब्लैक ही कर देते हैं, ठीक है, इसको भी हम ब्लैक कर देते हैं, इसका फिल जो है ख़त्म कर देते हैं, और इसके वायर कलर हम ब्लैक दे देते हैं। इंस्टाग्राम का फिल ऑफ हो गया, ठीक है। ये कुछ हमारे तीन आइकन आ गए इस तरह। उसके बाद हम यहाँ नीचे अपना वेबसाइट का लिंक या जो भी हो तो हम वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा बॉक्स लेते हैं, ठीक है, जिस बॉक्स को हम कलर ये दे देते हैं, ठीक है। और इसमें हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, कर देते हैं बाय नो, ठीक है। इस टेक्स्ट को हम छोटा करते हैं, टेक्स्ट का साइज़ हम छोटा करते हैं, ये आ गया हमारा टैक्स, और इसको थोड़ा सा हम फुल ले जाते हैं, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, सेंटर में। उसके बाद नीचे हम अपनी वेबसाइट का लिंक, वेबसाइट का वो डालते हैं www.shoes.com लिख देते हैं, ठीक है। और इसका कलर हम वाइट रख देते हैं, मीडियम कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके फिल को अगर हम ऑफ़ करें और इसको, इसके स्ट्रोक को हम ये कलर दे दें, और इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे भी अच्छा लग रहा है, इस लाइन को थोड़ा और कम कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम एक सर्कल और ऐड करते हैं, हम यहाँ पे एक सर्कल ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर हमने इसकी प्राइस ऐड करनी है, ओनली हम ऐड कर देते हैं शूज़ की 999, ठीक है। ये हम इस शूज़ की प्राइस रख देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं ऐसे, ठीक है, इसको बोल्ड कर देते हैं। तो ये हमारा तकरीबन तकरीबन डिज़ाइन रेडी हो गया। और उसके बाद अगर हम और कुछ ऐड करना चाहें तो यहाँ पे बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं चीज़ें, तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा हमने बनाया है डिज़ाइन, तो इसमें हम थोड़ा सा और कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। 6, ठीक है, ये आ गए, इनको कंट्रोल जी करके, ठीक है, इनको करते हैं अनग्रुप, इसकी एक लाइन कम कर देते हैं, तीन लाइनें रखते हैं, ठीक है। और इसका कलर हम वाइट कर देते हैं, वाइट करने के बाद इसको कंट्रोल जी, इसको यहाँ कहीं एडजस्ट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कुछ और अच्छा लगेगा, यहाँ पे और एक यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई तकरीबन तकरीबन एक बैनर हमारा डिज़ाइन हो गया है। इसके स्ट्रोक को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, अंदर वाइट कर देते हैं, ऐसे कुछ कर देते हैं, और ख़ूबसूरत लगेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करें।